नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता है कि बिहार में आज रोजगार की क्या स्थिति है। इसके साथ साथ बिहार सरकार जो रोजगार में अलग अलग बहालियां निकाल रही हैं, वो बहालियां किस तरीके से बेहाल है, इससे हम सब लोग वाकिफ हैं। और इसीलिए तमाम अलग अलग बहालियों को जोड़ करके एक साझा प्लेटफॉर्म, एक साझा मंच हम लोगों ने बनाया था, जिसका नाम है रोजगार संघर्ष संयुक्त मोर्चा। और इस मोर्चे की तरफ से आने वाले 9 मार्च को पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में मुक्ताकाश मंच में, जो गांधी मैदान से ठीक सटा हुआ पश्चिम में है, रेडियो स्टेशन के बगल में, वहां पर रोजगार अधिकार महासम्मेलन हो रहा है। हम बिहार के तमाम नौजवानों को, जो रोजगार के सवाल पे संघर्ष करते हैं, जो आवाज उठाना चाहते हैं, और अलग अलग बहालियों के वो अभ्यर्थी जो न्याय के लिए दर दर की ठोकर खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, सचिवालय में जा रहे हैं, मंत्रियों से मिल रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है, ऐसे तमाम लोगों को इस कार्यक्रम में हम लोग आमंत्रित करते हैं। आप लोग आइए। हम अब तक देख रहे थे कि अलग अलग जो बहाली है उसका संघर्ष अलग अलग समय पे चलता रहा है। जैसे अनियोजित कार्यपालक सहायक, इनका संघर्ष चलता रहा है, इनका नियोजन हो, ये इनकी मांग है। एसटीईटी 2019, ये यहाँ के जो छात्र हैं वो लगातार आंदोलन करते रहे, सरकार लेकिन बात नहीं सुन रही है, उनके विज्ञापन को सरकार फॉलो नहीं कर रही है। सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ, बिहार पुलिस 2009, एसटीईटी 2011-12, मतलब एक दशक से ये लोग स्टेट क्वालिफाई करके सरकार द्वारा नियोजन का इंतजार कर रहे हैं, इनका नियोजन नहीं हो रहा है। वैसे ही पारा मेडिकल छात्र है, फार्मासिस्ट के छात्र हैं, बीटीएससी बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने जो जेई का फॉर्म निकाला है वो छात्र हैं, लाइब्रेरियन की का फॉर्म जो पिछले कहिए कि 14 साल से एक बार भी नहीं प्रकाशित हुआ, उनके अभ्यर्थी हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार के तरफ से जो 2019 की बहाली आई थी उसमें वेटिंग लिस्ट के छात्र हैं। बिहार में जो आर्मी की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, जो युवा हैं, वो सब लोग हैं जिन जो पेंडिंग में बैठे हुए हैं। और ऐसे ही आईटीआई अनुदेशक और तमाम तरह की बहालियां हैं, नाम गिनवाने लगेंगे तो 20-30 बहाली इस तरह के हैं। तो कहने का मतलब ये कि इन तमाम बहालियों को एक साझा प्लेटफॉर्म पर ला करके हम चाहते हैं कि सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया जाए। सरकार के बारे में और इन बहालियों के बारे में लोगों को आमतौर पर यही लगता है कि कुछ बहालियां होंगी जिनके बच्चे जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता है कि बिहार में तमाम ऐसी बहालियां हैं जो बेहाल पड़ी हुई है। जो बहाली हो भी रहा है उसमें अनियमितता, भ्रष्टाचार, लूटपाट, पेपर लीक, अपारदर्शिता, ये सब का संकट है। कई बहाली तो इस तरह से है जिसमें हाईकोर्ट का निर्णय को भी जो है आयोग वो फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये सारे लोग अगर एक मंच पर आकर के अपनी अपनी बात कहें, सारे अभ्यर्थी इनकी बात सुने, तो सरकार के ऊपर एक जबरदस्त दबाव हम लोग बना सकते हैं। और इसीलिए 9 मार्च को आप तमाम लोगों को हम आमंत्रित करते हैं कि रोजगार अधिकार महासम्मेलन जो भारतीय नृत्य कला मंदिर में मुक्ताकाश मंच में होना है, उसमें बड़ी तादाद में आप लोग अपनी मांगों के साथ, अपने डिमांड्स के साथ, अपने प्लेकार्ड लेकर के, अपने बैनर लेकर के उसमें आइए, बड़ी संख्या में आइए। उस मुक्ताकाश मंच में सीटिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम चाहते हैं कि तमाम बहाली उसमें आए, बहालियों के साथ ही उसमें आए, और उसमें जो वक्ता होंगे वो अलग अलग बहाली से जुड़े हुए लोग अपनी बात कहेंगे, और वहां से एक चार्टर ऑफ डिमांड यानी मांग पत्र तैयार करके हम लोग मुख्यमंत्री को सौंपेंगे, और कोशिश करेंगे कि बिहार के हर नौजवान जो रोजगार पाने के लिए का अधिकार रखता है, जो जिनकी बहालियां लंबित पड़ी हुई है, उनके साथ न्याय हो, उनको रोजगार मिले। इसी उम्मीद के साथ आप तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।